हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे धनिया की चटनी, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो ये सब्जी के साथ बिल्कुल फ्री मिलता है, आज चाहिए तो एक गुच्छे अलग से ले सकते हैं। तो धनिया को सबसे पहले धो लेंगे, सुखा लेंगे। और यहाँ पर ले ली मैंने दो प्याज, जो कि मैंने कट कर लिया है, लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें, कुछ यहाँ पर मेरे पहले की हरी मिर्चें पई हुई थी, कुछ फ्रेश हरी मिर्चें हैं जो कि लाल हो गई हैं। और यहाँ पर ले लिए मैंने इमली की प्यूरी, यानी कि इमली का रस, इमली गुठली किसके अंदर से निकाल दें और रस निकाल लें। तो यहाँ पर ले लिया हम जार एक मिक्सी का, तो धोया हुआ जो हरा धनिया है उसको हम मिक्सी के जार के अंदर डाल लेंगे। वैसे जो हरा धनिया है वो सब्जी के साथ बिल्कुल फ्री मिलता है, अगर आपके वहाँ नहीं मिलता तो आप 10 रुपये की है जो गुच्छी है वो मार्केट से आपको मिल जाएगी आसानी से। उसको साफ कर लें, धो लें। और धनिया के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर पीसी हुई, नहीं, साबुत हरी मिर्चें। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, अदरवाइज आप कम कर सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे प्याज, प्याज जो है आप चटनी के अंदर जरूर डालें, जिससे भी चटनी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और डाल देंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चीनी का, जितनी हमने चीनी ली है उससे आप डाल लेंगे हम आधा नमक, यानी कि आधा चम्मच नमक। लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, हो सके तो आप इसके अंदर हरी मिर्च का यूज़ करें। और डाल देंगे इसके अंदर इमली का रस, जिसकी हमने गुठलियाँ निकाल ली थी, और सिर्फ इस इमली का प्यूरी है ये। और ढक्कन लगा के हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपका सब्जी बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस तरह से हरे धनिया की चटनी बनाकर खाना खा सकते हैं। इसकी बजाय आप 2 की जगह आप 4 रोटी खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी और खट्टी मीठी चटनी बनेगी। तो हमने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही ग्राइंड करना है, ताकि इसका जो अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर हमारी चटनी वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, मैं दिखा देती हूँ, मिक्सी का जो चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप उसको कर लेंगे एक बाउल में सर्व। तो यहाँ पर देखिए, खट्टी मीठी चटपटी चटनी है हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई ज़्यादा सामान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चटनी का ज़्यादा टेस्ट लेना है तो आप इसके अंदर थोड़े से हरे, सॉरी, कच्चे प्याज डाल लें बारीक करके, तो चटनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी चटनी की रेसिपी की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।